वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ स्टडी आज हम पढ़ेंगे मिलेम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं कौन कौन से मिलेम डेवलपमेंट गोल्स हैं एंड किसने ये स्टार्ट किए थे आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो मिलेम डेवलपमेंट गोल्स मिलेम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं एम डी क्या होते हैं ये स्टार्ट हुए थे टू थाउजेंड से लेकर टू थाउजेंड फिफ्टीन तक एंड इनको स्टार्ट किसने किया था यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने एम डी जीज एंड एन डी जीज एस डी जीज को स्टार्ट किया था एम डी जीज डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए गोल सेटअप किए गए थे यूनाइटेड नेशन के थ्रू एंड यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव है एक सभी कंट्रीज़ के अंदर पीस प्रोवाइड करना एक इको फ्रेंडली एनवामेंट प्रोवाइड करना द United नेशन इज़ एन इंटर organization. ऑर्गनाइजेशन दो पर्पज़ आर टू international इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस इसका मेन मोटिव यही है इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहे जितनी भी कंट्रीज हैं सिक्योरिटी पीस शांति बनाए रखना एंड अचीव इंटरनेशनल कॉरपोरेशन बी अ सेंटर फॉर हारमोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस. जो भी कंट्रीज एक्शन लेती है उसको अपने ध्यान में रखते हुए तो यूनाइटेड नेशन का मेन मोटिव यही है यूनाइटेड नेशन का हेडकुआटर कहाँ है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वाटर है न्यूयॉर्क में द यू एन कब एस्टैब्लिश हुआ था द यू एन वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वॉर यू एन कब एस्टैब्लिश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टब्लिश हुआ था एंड सक्सीडिंग द लीग ऑफ नेशंस अब देख लेते हैं द मिलनियम सबमिट वॉज अ मीटिंग अमंग मैनी वर्ल्ड लीडर्स लास्टिंग थ्री डेज फ्रॉम सिक्स टू एट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड टू थाउजेंड में एक मीटिंग रखी गई थी यूनाइटेड नेशन के थ्रू रखी गई थी जिनका मेन मोटिव यही था कि जितनी भी कंट्रीज हैं वन नाइनटी थ्री जितनी भी कंट्रीज़ हैं यू एन के अंडर जो आती हैं उनमें एट एम डी जीज़ को लेकर आना उनके कंट्रीज़ को ध्यान रखना कौन कौन से वो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं ताकि उनको और डेवलप बना सकें जो एम हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लेकर आए थे एंड जो एस हैं वो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज दोनों के लिए लेकर आए थे एंड यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या है इट्स पर्पस वाज टू डिस्कस द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज अ टर्न फॉर टू ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कब समिट हुई थी एक समिट एक मीटिंग रखी गई थी जिसका नेम था मिलीनियम समिट 2000 में 6 सितंबर से 8 सितंबर तक न्यूयॉर्क सिटी में रखी गई थी जिनका मेन मोटिव था एम को लेकर आना कौन कौन से एम हैं ऑन सेप्टेम्बर ऑफ फॉलोइंग अ थ्री मिलेनियम समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स गैडर्ड इन न्यूयॉर्क एट द हेड क्वार्टर जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वन नाइनटी थ्री कंट्रीज के उन्होंने डिसाइड किया था द यू एन जनरल असम्बली अडॉप्टेड सिक्स सिक्सटी गोल्स रिगार्डिंग पीस डेवलपमेंट एनवामेंट ह्यूमन राइट्स एंड द दंडरेबल हंग्री एंड पुअर अफ्रीका एंड द यूनाइट नेशंस विच कॉल्ड मिलीनम डलरेशन रिजोल्यूशनस उन्होंने सिक्सटी गोल्स को अडॉप्ट किया था यूनाइट नेशन के थ्रू जिसका मेन एम था पीस एनवायमेंट कंट्रीज की ह्यूमन राइट्स वनरेबिलिटी के बारे में हंगर पोवर्टी पुअर इन सब के जो मेजर इशूज़ हैं उनको ध्यान रखते हुए एक मिलिनियम डिक्लेरेशन रेजोल्यूशन क्रिएट हुआ था अब देख लेते हैं द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स आर द 193 सोवन स्टेट्स 193 सोवन स्टेट्स के मेंबर उसमें इंक्लूड थे यूनाइटेड नेशंस यूएन यूनाइटेड नेशन में एंड हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द यूएन जनरल असेंबली द यूएन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड 191 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स एंड एटलीस्ट 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड टू हेल्प अचीव द मिलेम डेवलपमेंट गोल्स बाय 2015 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई थी अचीव करने के लिए 2015 तक मिलेम डेवलपमेंट गोल्स के अब उन देख लेते हैं मिलेम डेवलपमेंट्स गोल कौन कौन से होते हैं द मिलेम डेवलपमेंट गोल्स वर एट इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स फॉर द ईयर 2015-2015 तक के लिए गए थे ये एंड एट इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स आए थे अस्टैब्लिस्ड हुए थे में में जो 2000 मीटिंग रखी गई थी यू के थ्रू जिसमें 193 कंट्रीज इंक्लूडेड थी दीज वर बेस्ड ऑन द ओ सी डी डेक इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स एग्रीड बाय डेवलपमेंट मिनिस्टर्स इन द शेपिंग दैट टू थाउजेंड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्ट्रेटीज दस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एस डी जी सक्सिडिड द एम इन टू थाउजेंड एम डी जीज के आने के बाद एस डी जीज भी आए थे जो इम्प्लीमेंट हुए थे टू थाउजेंड सिक्सटीन से कौन कौन से एट इंटरनेशनल एम डी जीज थे फर्स्ट था टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर जितनी भी जितनी भी पॉवर्टी है कंट्रीज़ के अंदर एक्सट्रीम हंगर है एंड पॉवर्टी है लोग मर जाते हैं उसको एरेडिकेट करना सेकंड है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हर कंट्रीज़ को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना थर्ड था टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वूमेंट मतलब जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए और वुमेंस को एम्पावर देनी चाहिए थर्ड ये गोल था फोर्थ है टू रिड्यूस चाइल्ड मोटेलिटी टू रिड्यूस चाइल्ड मोटेलिटी मतलब जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता उनको प्रोवाइड करवाना ताकि उनकी बर्थ के टाइम पे उनकी डेथ ना हो फिफ्थ टू इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ हो जाती है उनकी या फिर उनको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसको प्रोवाइड करवाना टू कॉम्बैक्ट एच आई वी एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजे जितने भी एड्स हैं जितने भी मेजर डिजीजे हैं उनको एरेडिकेट करना उनको रिमूव करना सभी कंट्रीज में से एंड टू इंश्योर एन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब कंट्रीज के अंदर जितने भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल बनी रहे उसका भी ध्यान रखना एंड टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं एक ग्लोबली आना पार्टनरशिप करना और इन सभी एड एम को कंप्लीट करना इनको पूरा करना इम्प्लीमेंट करना उसको भी थर्ड एट पॉइंट यही है कि सारे ग्लोबल कंट्रीज़ एक साथ पार्टनरशिप बनके इन सबको आठ जो एम हैं उनको पूरा करें ईच गोल हैड स्पेसिफिक टारगेट्स एंड डेट्स फॉर अचीविंग दोज टारगेट्स द एट गोल्स वर मेजर्ड बाई ट्वेंटी वन टारगेट्स हर गोल को एक अचीव टारगेट्स दिए गए थे आई होप गाइज आपको ये एम पूरा क्लियर हो गया होगा टू आई होप गाइज आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा इफ यू लाइक दी वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी थैंक यू सो मच